So yesterday we discussed about population explosion. Now today's topic is family welfare programs. So before family welfare program, we will just go through the control measures or initiative we have to take in case of population explosion. So first of all, the government has started some public awareness programs, so we have to execute them also in order to control the population explosion. We will aware the public regarding the consequences of population explosion, and we will educate the public. We will implement the family planning programs started by the government. Then we will provide sex education to the public as well. Then birth rate must be kept within reasonable limits. We will ask the community people to think about it so that birth rate can be kept within the reasonable limits. Then regarding family welfare programs, first of all, history of family planning in India. Population growth has been a cause of worry for the government of India since a very long time. Just after independence, the Family Planning Association of India, FPAI, was formed in 1949. So the country launched a nationwide family planning program in 1952. ये ऐसा पहली बार हुआ 1952 में कि किसी developing country में इस तरह का कोई program चलाया जा रहा था. So initially जो किस पे फोकस किया गया, बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स पे फोकस किया गया. उसके बाद इसमें इंक्लूड किया गया मदर और चाइल्ड हेल्थ को, न्यूट्रिशन को और फैमिली वेलफेयर को. इन 1966 में क्या हुआ, 1966 में कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ था उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया फैमिली प्लानिंग का. सो उसे बोला जाने लगा डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग. In 1977, Government of India has developed a new population policy. और उस policy के according, जो भी strategies थी उस policy की, वो लोगों को voluntarily accept करनी थी. उसमें लोगों को कोई compulsion नहीं था कि वो उन्हें accept करनी पड़ेंगी. So उस time पे 1977 में एक और चीज़ हुई कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग था उसका नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर रख दिया गया. फिर डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो एक्टिविटीज़ थी उसमें, फैमिली वेलफेयर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ थी उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, पीडियाट्रिक्स, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, IEC. ठीक है, दिस इज़ रिलेटेड टू द ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल एडवर्टीजमेंट्स. ठीक है, इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए, आपके न्यूज़पेपर आ गए, न्यूज़ चैनल्स आ गए, टीवी, रेडियो, किसी के भी थ्रू जो है एडवर्टीजमेंट होना. देन कॉपरेशन विद NGOs, बहुत सारे NGOs हैं ऐसे जो कि वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो उनके साथ कोलेबरेट करना. उसके बाद इंटरनेशनल एड्स ग्रुप एंड रूरल हेल्थ सर्विसेज पे ध्यान को भी इसमें इंक्लूड किया गया. इंटरनेशनल एड ग्रुप्स जैसे हमारे यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, बहुत सारी ऐसे जो इंटरनेशनल एड ग्रुप्स हैं जिनकी हेल्प से हम जो है फैमिली वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. उसके बाद है रूरल हेल्थ सर्विसेज, क्योंकि रूरल एरियाज ऐसे थे जहाँ पे इस फैमिली वेलफेयर सर्विसेज की ज़्यादा ज़रूरत थी, बिकॉज दे हैव लैक ऑफ नॉलेज, देयर प्रैक्टिसेस आर वेरी पुअर, देयर बिहेवियर इज़ वेरी नेगेटिव टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग नॉर्म्स एंड ऑल. सो नाउ कमिंग टू रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ. नाउ द फैमिली वेलफेयर सर्विसेज आर मॉडिफाइड एज, अब जो है फैमिली वेलफेयर सर्विसेज को मॉडिफाई करके क्या बना दिया गया है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, RCH. इसमें दो प्रोग्राम्स हैं, RCH1 RCH2. RCH1 RCH2 को हम डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में अंडर योर सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. ठीक है, तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि RCH सर्विसेज में, यानी कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ या क्या क्या कॉम्पोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं. मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, इसमें फैमिली प्लानिंग,
एडोलेसेंट हेल्थ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ RTI यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड देयर ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग फॉर मैलिग्नेंट चेंजेस अफेक्टिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कोई ट्यूमर या कैंसर जैसे, यानी कि उसमें कोई भी मैलिग्नेंट चेंजेस आते हैं, तो ये चीज़ें जो है हम RCH सर्विसेज के अंडर प्रोवाइड करते हैं इनसे रिलेटेड। उसके बाद है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम फॉर विच 100% हेल्प इज़ प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद है द मेन स्ट्रेटजीज फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम आर, क्या क्या स्ट्रेटजीज थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इज इंटीग्रेटेड विद अदर हेल्थ सर्विसेज। जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है इसको दूसरी हेल्थ सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट करके हमें प्रोवाइड करना है। तो इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता था, जैसे सब सेंटर लेवल पे या फिर PHC लेवल पे या CHC लेवल पे। PHC मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, CHC मीन्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। तो वहाँ पे जो और सर्विसेज जो जनरल OPDs होती है उसके साथ साथ में फैमिली वेलफेयर सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर सकते थे। तो इस स्ट्रेटजीज़ के अंडर ये कहा गया कि ये करना है। उसके बाद है एम्फेसिस इज़ इन द रूरल एरियाज़। जो इस फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंडर जो स्ट्रेटजीज आई उसमें ये बोला गया कि ज़्यादा एम्फेसिस, ज़्यादा जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए, रूरल एरियाज़ में होना चाहिए। टू चिल्ड्रन फैमिली नॉर्म टू बी प्रैक्टाइज्ड, लोगों को दो बच्चों की जो फैमिली है इस नॉर्म को अपनाने के लिए अपनाना चाहिए और यही प्रैक्टिस में लाना चाहिए। उसके बाद है अडॉप्टिंग टर्मिनल मेथड्स टू क्रिएट अ गैप बिटवीन द बर्थ ऑफ टू चिल्ड्रन, दो बच्चे होने के बाद, ठीक है, एक गैप के बाद, दो बच्चे होने के बाद जो है लोगों को टर्मिनल मेथड्स अडॉप्ट करने के लिए जो है नॉलेज प्रोवाइड करनी है, अवेयर करना है, ठीक है, उनको एनकरेज करना है। तो लोग जो हैं ये टर्मिनल मेथड्स जैसे कि मेल्स में होती हैं हमारे वैसेक्टमी और फीमेल्स में होती है हमारी ट्यूबेक्टमी, तो दीज टू आर द टर्मिनल मेथड्स और ऑफ कॉन्टरसेप्शन। उसके बाद है डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया जाना चाहिए ताकि हम लोगों को एनकरेज कर सके, फैमिलीज़ को एनकरेज कर सके कि वो स्मॉल फैमिली नॉर्म को एक्सेप्ट करें, अपनाएं। उसके बाद है एनकरेजिंग एजुकेशन फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए जो है एजुकेशन दी जानी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को हमने पेरेंट्स को एनकरेज करना है इसके लिए, कि ऐसा ना हो कि खाली बॉयज़ को जो है आप एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं और गर्ल्स बेचारी घर पे बैठी हैं और उनकी जल्दी शादी कर रहे हो आप और उनका पूरा रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उसको ख़राब कर रहे हो, नहीं। ठीक है, उनको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो एलिमेंट्री और बेसिक एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए। उसके बाद है एनकरेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, हमने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एनकरेज करनी है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है 6 मंथ्स तक सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही कराना होता है बेबी को एंड नथिंग एल्स। उसके बाद है प्रॉपर मैरिजेबल एज फॉर मैन एंड फॉर वीमेन, मैन के लिए जो होती है वो 21 साल और वीमेन के लिए 18 साल इन इंडिया। ठीक है, अभी इसको चेंज करने के लिए कुछ लॉज बन रहे हैं बट दीज आर नॉट येट इम्प्लीमेंटेड, सो दिस इज़ द लीगल एज इन इंडिया टू मैरी 21 ईयर्स फॉर मैन एंड 18 ईयर्स फॉर वीमेन। देन मिनिमम नीड प्रोग्राम लॉन्च टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, मिनिमम नीड प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया ताकि लोगों का जो रहने सहने का जो ढंग है उसका स्टैंडर्ड रेज किया जा सके। मिनिमम नीड प्रोग्राम के अंडर किस पे फोकस किया गया था, फूड, वाटर, शेल्टर, हाउसिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इन सब चीज़ों पर जो है फोकस किया गया। उसके बाद है मॉनेटरी इंसेंटिव्स गिवन टू पुअर पीपल टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग मेजर्स, जो गरीब लोग थे उन वो अगर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को अडॉप्ट करते हैं
तो उनको मॉनेटरी इंसेंटिव्स दी जानी चाहिए, कुछ पैसा जो है वो दिया जाना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं, क्योंकि उनको वैसे तो समझ में आएगा नहीं, उनका अगर तुम नॉलेज भी प्रोवाइड करोगे तो ज़्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो अगर उनको मॉनेटरी इंसेंटिव सब दोगे तो वो उसके लिए फैमिली प्लानिंग मेजर्स को ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद है क्रिएटिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग थ्रू टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, पपेट शोज, नुक्कड़ नाटक, ठीक है, रोल प्लेज, ये सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम जो है अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के इंडिया में। सबसे पहले मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, उसके बाद है इम्यूनाइजेशन, इसमें दो जो है कैटेगरीज में फोकस किया गया है, एक तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इम्यूनाइजेशन, दूसरा बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए टेटनस टॉक्साइड और बच्चों के लिए BCG, ओरल पोलियो, DPT, मीजल्स, मम्स, रूबेला, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो बहुत सारे जो है वैक्सीन्स हैं जो जिनसे जो है इम्यूनाइजेशन होता है बच्चों का, और प्रेग्नेंट वुमेन का टेटनस टॉक्साइड, जो कि फर्स्ट जो डोज होती है वो लगती है एज सून एज शी केम टू नो दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरी डोज लगती है एक महीने के बाद, बूस्टर डोज जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे कि आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स होती हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, और बच्चों के लिए विटामिन ए सप्लीमेंट्स, ये दिया जाना चाहिए। उसके बाद है एजुकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो स्पेसिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं हमारे उनके उसके रिगार्डिंग लोगों को एजुकेट करना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे कि कॉन्डम, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंट्रायूटर एंड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इसमें आ गया हमारा आपका ये कॉपर्टी और अदर केमिकल मेथड्स, ठीक है, बहुत सारे जो जेल्स हैं वो होती हैं। उसके बाद है मोटिवेटिंग फॉर वॉलेंट्री सर्जिकल कॉन्ट्रसेप्शंस, लोगों को मोटिवेट करना है वॉलेंट्री सर्जिकल कॉन्ट्रसेप्शन या टर्मिनल मेथड्स के लिए, ठीक है, इसमें ट्यूबेक्टमी फॉर फीमेल एंड वैसेक्टमी फॉर मेल। देन हेल्थ एजुकेशन ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर के रिगार्डिंग एजुकेट करना है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी केयर के रिगार्डिंग भी लोगों को अवेयर करना है, नॉलेज प्रोवाइड करनी है, एजुकेट करना है, ताकि जो है उनको बताना है किस किस केस में ये लीगलाइज्ड है और किस किस केस में ये इलीगल है, ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसकी जो है पनिशमेंट क्या है, ये सब MTP के अंडर उन्हें बतानी है। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले लोग जो है कॉन्ट्रसेप्शन के जो मेथड्स होते हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा मेथड्स के लिए अवेयर हुए, लोगों का जो है कॉन्ट्रसेप्टिव यूज़ ओवर द ईयर्स इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, जब से ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक जितने भी साल थे लोगों ने कॉन्ट्रसेप्टिव्स यूज़ करने ज़्यादा शुरू किए। उसके बाद है नॉलेज ऑफ फीमेल स्टरलाइजेशन यानी कि ट्यूबेक्टमी, विच इज़ कंसिडर्ड टू द सेफेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मॉडर्न फैमिली प्लानिंग। हम ट्यूबेक्टमी को फीमेल स्टरलाइजेशन और वैसेक्टमी को मेल स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज़ अनदर नेम। सो ये लोग कंसिडर करने लग गए एज द सेफेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ कॉन्डम्स, इंक्रीज नॉलेज अबाउट कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स, लोगों की नॉलेज बढ़ने लग गई कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स के रिगार्डिंग। फर्टिलिटी रेट लो हुआ अमंग एजुकेटेड वुमेन एंड अमंग हायर इनकम ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद है फैमिली प्लानिंग इन इंडिया मोर सक्सेस एक्सपेक्टेड, द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आर सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट बट इंडिया स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। फैमिली प्लानिंग हैज़ ऑलवेज बीन द मेन एम्फेसिस इन पॉपुलेशन पॉलिसी policies adopted by the government of India. However, there is a need for more public awareness and public participation. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे factors हैं, बहुत सारे ऐसे reasons हैं जिनकी वजह से
जो है फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस पुअर रह गई, ठीक है, कहीं कहीं एरियाज़ में पुअर हैं अभी भी बहुत। तो वो किस कारण से है? फर्स्ट वन है जेंडर इन इक्वालिटी, ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ सन्स ओवर डॉटर्स, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पावर्टी, ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेसेस ऑफ इंडियंस एंड एज ओल्ड कल्चरल नॉर्म्स। ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है पुअर फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस अभी भी हैं हमारी कंट्री में। सो देर इज़ अ नीड फॉर मोर पब्लिक अवेयरनेस एंड मोर पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया।